धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने उन साथियों का भी आपके माध्यम से जिन्होंने निष्पक्ष होकर के मऊ के घोसी विधानसभा के चुनाव में सच्ची जानकारी और निष्पक्ष होकर के सूचनाएं जनता तक पहुंचाई। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। घोसी की घोषणा की और ये जीत का संदेश कहाँ कर लो सर, घोसी विधानसभा की जीत की घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा की जनता ने मतदान किया है और देश को संदेश दिया है, आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम होंगे जब किसान बुनकर भाई और पीडीए मिलकर के सहयोग करेगा, मदद करेगा तो परिणाम लोकसभा के 2024 के भी नए होंगे। मैं सुधाकर सिंह जी को और उनके पूरे साथियों को जो आज इस हॉल पे बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ और इस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद उनको मैं देता हूँ। सरकार जितना दबाव बनाना चाहती थी रेड कार्ड देकर या खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई मतदाता जा रहे थे उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया, अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी घोसी की जनता सुधाकर सिंह जी के साथ खड़ी दिखाई दी। साइकिल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके उन्होंने ऐतिहासिक परिणाम दिया। सवाल देखिए, लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जुबान से भी पहचाने जाते हैं और बीजेपी के कोई ये पहले नेता नहीं है। बीजेपी के अगर आप पुराना आर्काइव से चीजें निकालोगे तो बहुत सारे ऐसे नेता निकलेंगे, मिलेंगे जिनकी इससे भी खराब भाषा है। ऐसे नेता, ऐसे सांसद को जिसने नए लोकसभा में इस तरह की बात कही हो उसे आजीवन ताउम पाबंदी लग जानी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो देखिए, बनारस आए क्यूटो तो नहीं आए ना भाई, वादा तो इस बात का था ना कि क्यूटो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यूटो ही नहीं बनने दिया, ये उनकी बात है। आईएनडीए की सीटों को लेकर क्या आईएनडीए इंडिया 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 की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है और इसके अलावा? समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।